हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जिसके आकार के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, और इसी ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह सितारे मौजूद हैं जितना धरती पे रेती के दाने नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी ब्रह्मांड में मौजूद कुछ रहस्यमय और अजीब ग्रहों के बारे में मैं बात करूँगा, और हो सके तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला प्लैनेट सबसे अजीब और कमाल का होने वाला है, द डायमंड प्लैनेट। इस प्लैनेट का असली नाम है 55 कैनक्री ई, और ये एक ऐसा ग्रह है जो कि हीरे का बना है। इस प्लैनेट का हीरे से बना हिस्सा हमारी धरती के पूरे वजन से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इस प्लैनेट को साल 2004 में डिस्कवर किया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है इस प्लैनेट का 1/3 हिस्सा सॉलिड हीरे से बना हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायमंड कार्बन से बनता है, तो उसी तरह इस ग्रह का ज्यादातर हिस्सा कार्बन का बना है। वैज्ञानिकों ने अनुमान किया है कि इस प्लैनेट के कोर में मौजूद कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ये कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो गया है। ये प्लैनेट स्टार 55 कैनक्री ए के काफी करीब मौजूद है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस के करीब है। डायमंड से भरा होने के कारण पैसों के मामले में इस ग्रह की कीमत लगभग 27 नॉन मिलियन डॉलर्स की इक्वल है, और ये हमारे पूरे धरती के GDP से 385 क्वाड्रिलियन गुना ज्यादा है। आइडिया के तौर पे एक क्वाड्रिलियन मतलब एक के पीछे 15 जीरोस, और एक नॉन मतलब एक के पीछे 30 जीरोस। आई होप इससे आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि इस ग्रह की क्या कीमत हो सकती है। अगला प्लैनेट है केपलर 452b। 2015 में नासा के मुताबिक धरती के जैसा एक प्लैनेट डिस्कवर्ड हो चुका है, जिसका नाम दिया गया है केपलर 452b। जैसे हमारी धरती का अपना खुद का सूरज है, उसी तरह केपलर 452b का भी अपना सूरज है, जिसका नाम है G2। हैरान कर देने वाली बात यह है कि धरती से सूरज की दूरी जितनी है, केपलर 452b के साथ उसके सूरज की दूरी भी लगभग उतनी ही है, और यहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी लगभग हमारी धरती के जैसा ही है। मतलब हमारी अर्थ की तरह यहाँ भी पानी, मिट्टी और हवाएं होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसका मतलब यहाँ पर धरती की तरह बहुत से विचित्र प्रजाति के जीवों के होने का हायर पॉसिबिलिटीज है। पृथ्वी के साथ इतनी सिमिलरिटीज होने के कारण इसे अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। सूरज का एक चक्कर लगाने में धरती को 365 डेज लगता है, और वही दूसरी तरफ केपलर 452b को अपने सूरज G2 का एक चक्कर लगाने में 385 डेज जितना समय ले लेता है। मतलब दोनों के रिवॉल्यूशन टाइम में सिर्फ 20 दिन का डिफरेंस है। हमारा सूरज 4.6 बिलियन साल पुराना है, और वही दूसरी तरफ G2 6 बिलियन साल पुराना है। केपलर 452b हमारी धरती से 2 गुना बड़ा है, लेकिन अगर यहाँ पर एलियन लाइफ होने का चांसेस इतना ज्यादा है, फिर अभी तक हमें इस ग्रह में एलियन लाइफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल पाया है? दरअसल धरती से इस प्लैनेट की दूरी लगभग 1400 लाइट ईयर जितनी है। अब आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ तक पहुँचने में आज के टेक्नोलॉजी से बनी स्पेसशिप को कितना ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में नासा, स्पेसएक्स और इसरो जैसी स्पेस एजेंसी अगर स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में इम्प्रूव कर पाए, तो हो सकता है भविष्य में हम इस ग्रह पे कभी ना कभी जरूर पहुंच पाएंगे। अगर ये दोनों प्लैनेट्स के बारे में जानकर आपको मजा नहीं आया हो, तो जरा इस अगले प्लैनेट के बारे में सुन लीजिए। ये ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर बारिश जरूर होती है, मगर वो पानी का नहीं बल्कि कांच की होती है। असल में इस ग्रह का वायुमंडल सिलिका के पार्टिकल से बना है, और ये सिलिका रेती में पाया जाता है। और ये कांच की बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं लगभग 8700 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से बहती है। आइडिया के लिए बताना चाहूंगा, ये स्पीड साउंड के स्पीड से लगभग 7 गुना ज्यादा है। सुनकर यकीन नहीं होता है ना, लेकिन सच्चाई यही है। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे प्लैनेट पे हो जहाँ पर ये सिलिका पार्टिकल कांच के रूप में आसमान से गिर रही है, और वो भी साउंड के स्पीड से 7 गुना ज्यादा तेजी से। ये तो इमेजिन करने में भी डर लगता है। इसके साथ इस ग्रह का तापमान लगभग 930 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो यही सिलिका पार्टिकल को पिघलाकर कांच में कन्वर्ट कर देता है। ये प्लैनेट HD 189773b को बाहर से देखकर कौन बता सकता है कि यहाँ पर कांच की बारिश होती है। अगला प्लैनेट है ग्रीस 436b। इस प्लैनेट को 2004 में डायमंड प्लैनेट के साथ ही डिस्कवर किया गया था। इस ग्रह की खासियत ये है कि ये एक आग में जलने वाला बर्फ का प्लैनेट है। अब ये सुनकर हर कोई बोल सकता है कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, ग्रह पूरा बर्फ से बना है और फिर भी जल रहा है। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, यही इस ग्रह की खासियत है। और इस प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है, मतलब पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ प्लैनेट जिसकी एवरेज टेम्परेचर पानी के बॉइलिंग पॉइंट से 4 गुना ज्यादा है।
लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो पाया है? असल में इस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि अगर हाई टेम्परेचर की वजह से बर्फ पिघलकर गैस में कन्वर्ट हो भी जाता है तो वो ऊपर आसमान में जाने की वजह वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सीधा प्लैनेट के अंदर चला जाता है और यही गैस फिर से बर्फ बन जाती है और यही रोटेशन प्रोसेस चलता रहता है और इसी आकर्षण बल के कारण ये एक नॉर्मल ग्रह की तरह भाप में बदल के बारिश भी नहीं ला पाता। इस प्लैनेट का आकार हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून के बराबर है और अपने सूरज का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 2 दिन 15 घंटे का समय लेता है, मतलब यहाँ का 1 साल धरती के लगभग 2.5 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो अभी तक मैंने जितने भी प्लैनेट्स के बारे में बताया वो सब हमारी धरती से बहुत ज्यादा दूर मौजूद है, लेकिन लास्ट वाला प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद है जिसका नाम है टाइटन, जो कि सैटर्न यानी शनि ग्रह का चांद है। जैसे धरती का अपना नेचुरल सैटेलाइट मून है, ठीक उसी तरह सैटर्न का भी अपना मून है जिसे टाइटन कहते हैं। लेकिन इसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है? टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि ईयर 2005 से पहले हमें ये पता भी नहीं था कि इसके भीतर की सतह पे क्या क्या मौजूद है। तो 2005 के बाद वैज्ञानिक टाइटन के भीतर की सतह के बारे में जान पाने में सक्षम हुए थे, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एटमॉस्फेयर के साथ साथ नदियाँ और झील भी मौजूद है। यहाँ तक टाइटन पर धरती की तरह ही बारिश होती है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस जितना है। इसी वजह से यहाँ पर पानी भी छूने पर बिल्कुल एक चट्टान के जैसा महसूस हो सकता है। और यहाँ पर नेचुरल गैस मीथेन गैसियस कंडीशन में नहीं बल्कि लिक्विड स्टेट में रहता है। तो अब तक जो रिवर, क्लाउड्स और लेक्स की बात कर रहा था वो असल में पानी का नहीं बल्कि मीथेन गैस का बना है। अब तक टाइटन ग्रह के सिर्फ 20% रीजन के बारे में ही साइंटिस्ट जान पाए हैं, लेकिन सिर्फ उसी 20% रीजन में इतना ज़्यादा नेचुरल गैस मौजूद है जो हमारी पूरी धरती में मौजूद नेचुरल गैस और तेल से 100 गुना ज़्यादा है। जिस तरह हमारी धरती पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी दिखाई दे रही है, उस हिसाब से भविष्य में टाइटन ग्रह पर स्पेस मिशन करना इंसानी सभ्यता के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और टाइटन के बारे में सबसे अजीब बात ये है कि आप चाहे तो टाइटन पर उड़ भी सकते हैं। असल में टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा डेंस है और दूसरी तरफ यहाँ का ग्रेविटी उतना ही कम है, तो इसी वजह से अगर आप अपने दोनों हाथ और पैरों में पंख लगाकर उड़ने की कोशिश करते हो तो आप आसानी से टाइटन के एटमॉस्फेयर में उड़ पाएंगे किसी पंछी की तरह, जो हमारी धरती पे कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो इन सारे प्लैनेट्स में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।